मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यंग इंडिया में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीटेक जो लोग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं, वो चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में उनकी जॉब लग जाए। और ख़ासकर आप नॉन प्रीमियर कॉलेजेस से हैं, यानी कि आप आईआईटी से नहीं हैं, आप एनआईटी से नहीं हैं, टीयर थ्री कॉलेजेस जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो आपके शहरों के अंदर है, जिन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती है जॉब्स वगैरह की, तो वहाँ से आप कैसे इजीली जॉब पा सकते हो, किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ है निखिल। तो सबसे पहले तो मैं निखिल के बारे में बता दूं कि निखिल है 2016 में इन्होंने एक टीयर थ्री नॉन प्रीमियर कॉलेज से इंजीनियरिंग कम्प्लीट की है, और इसके बाद इन्होंने डेलोइट जो है वो ज्वाइन की है, और डेलोइट ज्वाइन करने के बाद वहाँ 2 साल काम किया है, एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन कैपजेमिनी। मैं इसके साथ बता दूं कि कॉलेज के साथ ही इन्होंने 3-4 कंपनीज का ऑफ़र लिया था, डेलोइट के साथ साथ इनके पास इन्फोसिस का, टीसीएस का और भी कई कंपनीज के ऑफ़र थे। तो इनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो नॉन प्रीमियर टीयर थ्री कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, वो किस तरीके से जो भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको यूज करके ईजिली जॉब पा सकता है। तो सबसे पहले तो वेलकम निखिल। हाय। तो सबसे पहले तो हम इनसे जानते हैं कि यार, आप एक जो कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बढ़िया कॉलेजेस में नहीं जा पाते हैं, जैसे आईआईटी, एनआईटी वगैरह में नहीं जा पाते हैं, तो डज इट मीन दैट आपका करियर ख़त्म हो गया? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी टीयर थ्री कॉलेज में या फिर जो भी आपका कोई भी लोकल कॉलेज है, वहाँ से होके भी यू कैन गेट अ जॉब। ऑब्वियसली जो पैकेज होता है वो इतना नहीं होता है, बट सर्टेनली यू कैन प्लेस योर करियर फ्रॉम दीज कॉलेजेस एज वेल, इफ़ यू प्रिपेयर इन अ पर्टिकुलर वे विच वी आर गोइंग टू टेल देम राइट नाउ। या सो मैं अपने बारे में बता दूं कि फॉर लास्ट 10 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, आपके और भी कई दोस्त होंगे हु आर स्टडिंग और हु हैव स्टडीड इन टू आईआईटी एंड सम अदर प्रीमियर कॉलेजेस, एंड यू ऑल्सो स्टडीड इन सम नॉन प्रीमियर कॉलेज, सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड सम अदर थिंग्स? देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली आप जब देखेंगे तो आईआईटीज़ के अंदर लिमिटेड सीट्स हैं, और वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो लाइक वेरी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आप 2 पॉइंट्स एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे लोग कम होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा है, और अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आते हैं टीयर थ्री वाले लोग जो कि प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, उनमें अगर आप आते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि मास ऑफ द पीपल इज़ देयर, बट opportunities are very less as compared to IITs and other like reputed colleges. So in colleges में आने के बाद opportunities घट जाती है, तो आपको क्या करना है कि आपको उन घटी हुई opportunities में जो आपको less opportunities मिल रही है उनके अंदर भी आपको success चाहिए, तो आपको कुछ points follow करने पड़ेंगे और आपको उन्हीं limited opportunities के अंदर अपना career set करना पड़ेगा। सो वट यू मीन टू से इज़ दैट कि जो भी बढ़िया कॉलेजेस होते हैं, जो भी IIT एंड NIT है, एक तो ये बात होती है कि सच में वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो अच्छे होते हैं, दे आर इंटेलिजेंट, एंड दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जॉब्स वगैरह अच्छी अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी की जॉब्स भी अवेलेबल होती है, एंड वहाँ पे कंपनीज वगैरह जो होती है बहुत सारी जाती है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, तो थोड़ा ईजी रहता है बच्चों के लिए। और जो आप जैसे टीयर थ्री और नॉन प्रीमियर कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इंजीनियर्स बन रहे हैं एंड कंपनीज बहुत कम आती है, कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंपनीज आती ही नहीं है, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, एंड दूसरी बात ये है कि वहाँ लर्निंग नहीं है एंड बच्चों के अंदर खुद के अंदर मोटिवेशन भी नहीं है। ठीक है, तो सच में ये कहा जा सकता है कि एक टीयर थ्री कॉलेज या नॉन प्रीमियर कॉलेज से आप अगर पढ़ रहे हैं तो जॉब पाना टफ है? जी, ये टफ भी है लेकिन आसान भी है, दोनों चीज़ें एक सेम पॉइंट पे है, लेकिन ये है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। अच्छा, कि आपको बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहना है कि यार मेरी जॉब नहीं लगेगी, आपको फ्यूचर की तरफ देखना है, जो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है आपको उसमें अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देखेंगे कि टीयर थ्री वाले जो लोग हैं वही सबसे ज़्यादा काम करते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जो मास ऑफ द पीपल है दैट इज़ फ्रॉम टीयर थ्री कॉलेजेस, सो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर।
अभी मैं कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी पढ़ रहा था कि इवन यहाँ तक हो रहा है, कई बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग प्लेस इन टू गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल कॉलेज में भी यार पढ़ के है ना, अपने आप की अगर कुछ चीज़ों की तैयारी करोगे तो आप उन चीज़ों को हासिल कर सकते हो जो IIT एंड NIT वाले अचीव कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो भी आपका डेलोइट में या इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुआ, व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसेस टू गेट इन टू द जॉब? जी, उसमें आपका पहला प्रोसेस होता है कि एक तो आपको मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है कि मैं एक अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ, या फिर मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं जाना है कि मैं एक अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ तो मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। वो दूसरा, आपको एक पॉजिटिव साइड अपनाना पड़ेगा कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी मैं उसमें अच्छा करूँगा। आपको अपना जो CGP क्राइटेरिया है या जो भी आपका एकेडमिक्स चलता है, लाइक परसेंटेज क्राइटेरिया है, तो आपको उसके अंदर ध्यान दे के रखना है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, लाइक 65 या 70%, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दैट विल बी लाइक 60 to 70%। तो आपको उस क्राइटेरिया को अटेन करना है। आपको अपने जो बेसिक टेक्निकल स्किल्स है जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, ऑब्वियसली बेसिक ही पढ़ाया जाता है, एडवांस इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं Tier 3 कॉलेजेस में, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत टाइम से रिवाइज नहीं हुआ होता राइट है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रख के जो भी आपको बेसिक आप पढ़ रहे हैं उसको आपको बेसिक आना चाहिए, और आपको एडवांस का विजन होना चाहिए कि बेसिक ऐसा है तो एडवांस कैसा होगा। तो राइट आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, उन सब की राइट तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज का जो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि पहले वो आपकी मार्क्स देखेंगे कि आप कितना आपने एकेडमिक्स में किया है, फिर उनका एक पर्टिकुलर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज का 60% होता है, कुछ का 70 होता है, तो वो एक क्राइटेरिया होता है। उसके बाद में आप जाते हैं फिल्ट्रेशन पे, तो आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये सब आपकी चेक की जाती है कि आपका दिमाग जो है वो कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी आप वो सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। बेसिकली वो आपको ये चेक करते डिसीजन हैं, मेकिंग एबिलिटी है या हाँ नहीं जी, है। वो ये देखते हैं कि वो आपकी इतनी स्किल्स पे नहीं देखेंगे, आपको वो जज करेंगे कि आप एम्प्लॉयबल हो या नहीं हो। आप जब उनके पास जा रहे हो या जो आपको वो सिखाएंगे राइट वो आप सीख सकते हो या नहीं सीख सकते सो हो, यू आर ट्रेनेबल और नॉट। यस, कि हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे, आप इस चीज़ को सीखने के लायक हो या नहीं हो, ये राइट चीज़ उस जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उससे टेस्ट करते हैं वो लोग। उसके बाद में बात आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो कि हो सकता है कि वो आपका ग्रुप डिस्कशन भी करवा सकते हो ऑर्गेनाइजर, जहाँ पे अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो एलिमिनेशन क्राइटेरिया होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का की पॉइंट यही है कि कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, कि आप जो पॉइंट्स रख रहे हो ग्रुप डिस्कशन में वो रिलायबल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं ग्रुप डिस्कशन में जो कि जो पॉइंट्स रिलायबल नहीं है वही बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, राइट विच क्रिएट्स एन नेगेटिव इम्पैक्ट। जो आपको देख रहा है वो आपको मार्क्स नहीं देगा उसके, और आपको एलिमिनेट करेगा। तो दूसरा क्राइटेरिया होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा क्राइटेरिया जो होता है वो आपके होता है टेक्निकल। टेक्निकल देखिए कितना बाद में आया है, इसका मतलब ये है कि वो टेक्निकल चाहते हैं लेकिन पहले आपको दूसरे तरीके से आपकी जो सोच है उसको देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आपको दी गई थी रीजनिंग एप्टीट्यूड में, आप किस तरीके से रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो आपको GD में देखने को मिलेगा। सो इन पॉइंट्स के बाद में आपके पास वो आते हैं टेक्निकल स्किल्स पे। दोस्तों, टेक्निकल स्किल में वो जो पूछते हैं वो एक बेसिक पूछते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट बना के दो, राइट विच इज़ इम्पॉसिबल। तो वो आपसे पूछेंगे जो आप कर सकते हो, जो आप सीख के आए हो, उनको भी पता है कि आपने क्या सीखा है, उनको भी पता है कि आपने क्या पढ़ा है, तो वो आपको वही चेक करेंगे कि जो आप पढ़ रहे हो आपका उसमें ध्यान है या नहीं है, या आपको बेसिक पता है या नहीं। जैसे आपसे डेटाबेस का बेसिक्स पूछ लिया, या फिर लेट से डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक्स पूछ लिया, एल्गोरिदम्स पूछ लिया, या फिर अपन कह सकते हैं कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ लिए, तो दीज टाइम बेसिक चीज़ें पूछते हैं। वो आपसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि बैठ के इसका प्रोग्राम लिखो या ये बना के दो, वो आपसे सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद आता है मैनेजर और HR राउंड। मैनेजर और HR राउंड बेसिकली आपका बिहेवियर चेक करता है वो, कि वेदर यू आर एबल टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको एक स्ट्रक्चर में रह के काम करना पड़ता है, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं वो स्ट्रक्चर में काम नहीं कर सकते हैं,
कि बहुत सारे लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, ठीक है, तो वो ये चेक करते हैं कि आप किसी के साथ और किसी के अंडर काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो। दोस्तों उन्हें सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो उनके इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करके उन्हें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, उन्हें कोई सुपर इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, जिसमें आप देखोगे कि आपका एनालिटिकल स्किल चेक हो गए एप्टीट्यूड और रीजनिंग के थ्रू, फिर आपका कम्युनिकेशन चेक हो गया, फिर आपकी पर्सनैलिटी चेक हो गई, फिर आप रह सकते हो ट्रेनेबल हो नहीं हो वो चेक हो गया, आपका बेसिक टेक्निकल चेक हो गया। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो दिस इज हाउ लाइक ऑफ अ टीयर थ्री what you can say is a process of tier 3 college hiring is that okay. First of all they will go with basically your profile checking, like how good at you academics, aapne jo minimum eligibility criteria hai wo kiya hai nahi kiya hai, fir aapka exam lenge wo log, fir us exam mein aap kaisa karte hain uske basis pe shortlisting hoti hai, fir group discussion ke basis pe shortlisting hoti hai, fir aapka technical interview hoga, fir aapka manager ya hr round hoga. To these type of प्रोसेस यूजुअली फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप ये इस आप ये सोचते हैं कि मैं हमेशा IIT वाले स्टूडेंट से पीछे रहूँगा या ये रहूँगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सपोज़ कीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करती है, जो कि फ्रेशर्स फ्रेश टैलेंट में यकीन रखती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस को बताना चाहूँगा तो ऐसा ही होता है कि जब आप जाते हैं और अगर सपोज़ करो आपने कोई अच्छी टेक्नोलॉजी उस कंपनी में जाके सीख ली है या कोई ऐसा स्किल अक्वायर कर लिया है विच इज़ हॉट सेलिंग इन द मार्केट, तो दोस्तों ये जो डिफरेंस जो है ना IIT और टीयर थ्री का, ये बहुत छोटा नज़र आता है वहाँ पे। तो मेरी तरफ से यही आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सो टू समराइज, लाइक एक मिथ होता है कि कॉलेज के अंदर परसेंटेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो व्हाट यू मीन टू से इज दैट कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो टीयर थ्री कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, सो कंपनी जो है हर किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकती, हर किसी को टेस्ट में नहीं बैठा सकती, सो परसेंटेज के बेसिस पे सबसे पहले फिल्टर आउट करती है। तो ऑब्वियसली आपको 80-90 नहीं बनानी है, लेकिन एक मिनिमम जो होती है 65-70% इतनी आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इट विल हेल्प यू टू गेट द मोर अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट थिंग इज परसेंटेज का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने बताई कि एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश, इस पे आपका बहुत ध्यान होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे फिल्टर होने के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है हर कंपनी में जी, और उसके बेसिस पे फिर फिल्टरिंग होती है। yes. तो अगर आप इसमें स्ट्रांग है एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश, इसके लिए आर एस अग्रवाल की बहुत सारी किताबें आते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी बुक्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो उन बुक्स को देख सकते हैं। आप अगर और कोई किताबें फॉलो करते हैं तो वो कर सकते हैं। बेसिकली आपको इन तीनों चीज़ों को बहुत स्ट्रांग करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, तो आप अपने आप को ग्रुप डिस्कशंस वगैरह के लिए किस तरीके से स्ट्रांग बनाते थे? जी, पहले जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उनका पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था जो वीडियो के अंदर पहले ही, कि आपको कम बोलना है पर अच्छा बोलना है। मतलब आपके जो पॉइंट्स होने चाहिए वो उस प्रॉब्लम को स्ट्राइक करने चाहिए। सपोज करो कि वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट का ग्रुप डिस्कशन है, तो जो जो ग्रुप डिस्कशन है उसके जो उसका जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्राइक करना चाहिए, कि उसको वो ऐसा लगना चाहिए कि दैट इज़ वेरी रिलेवेंट एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। या फिर वो किसी भी मुद्दे के बारे में हो, सोशल इश्यूज के बारे में भी ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं। तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए, और वो आपको हमेशा कभी ऐसे नहीं करना है कि मैं सिर्फ मुझे बोलना है। वो ऐसे लोगों को भी प्रायोरिटी देते हैं जो कि एक्टिव लिसनर्स होते हैं, कि जो आप दूसरों की बात सुने और उन्हें एक्सेप्ट करें कि वो सही है, जो सही सही है उसको सही बोले, जो चीज़ गलत है वो गलत बोले, लेकिन जो आप अपना पॉइंट रख रहे हैं वो रिलेवेंट हो और आप उसे स्ट्रॉन्ग तरीके से रख सकें। राइट, सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपको ग्रुप डिस्कशंस वगैरह के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा ना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, तो इट विल हेल्प यू टू बिल्ड सम नॉलेज अबाउट ऑल द टॉपिक्स विच आर गोइंग ऑन सराउंडिंग यू। दूसरी चीज़ जैसे कि निखिल ने बताया कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर केवल बोलना ही नहीं, एक्टिव लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आप एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो ग्रुप डिस्कशन के अंदर, केवल अपनी ही चला रहे हो, आप सुन नहीं रहे लोगों को। तो दूसरों को सुनना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, उसके अंदर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव एड ऑन करना उस टॉपिक पे जो उसको कॉन्क्लूजन की तरफ ले जाए, ऐसा ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में। तो आप अपने जब कॉलेज वगैरह में हैं तब भी अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह बना के ग्रुप डिस्कशंस की तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको इंस्टीट्यूट वगैरह जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बट इट्स नॉट टफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह से, झिझकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, इसके आगे आपने बताया कि टेक्निकल स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है। जब आपको ये टेस्ट वगैरह क्लियर कर लेते हो, रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह का, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह क्लियर कर लेते हो, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स भी आपको देखते हैं। हालांकि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंपनीज ये देखती है कि अगर आप ऐसे बंदे हो जिनको सिखाया जा सकता है चीज़ें, तो वो आपको ले लेते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ बेसिक जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स हो गए, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये अगर आपको आते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो एक चीज़ ये आप बताइए कि कब से आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए, कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं? जी देखो, प्लेसमेंट की पहली जो तैयारी होती है वो तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट वेरी बिगनिंग ऑफ द करियर से ही करता है या बिगनिंग ऑफ डिग्री से ही करता है, जो कि पहला क्राइटेरिया है परसेंटेज, बिकॉज उसको आप लास्ट में जाके मैनेज नहीं कर सकते, या लास्ट में जाके आप ये नहीं कर सकते कि यार मैं 2 साल 50-50 लेके आऊँ, 2 साल 80-80 या 90-90 लेके आऊँगा और उसको बैलेंस कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो आपको शुरू से ही थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस रहना है। ऐसा नहीं है कि मुझे लास्ट में कर लूँगा या लास्ट ईयर में हो जाएगा। आपको थोड़ा सा फोकस रखना है और आपको ये देखना है कि मैं जो क्राइटेरिया है उसको पास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि मैं 60-70% मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उससे ऊपर जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको वो तो अटेंड करना ही है, तो सो दैट यू कैन सिट इन द इंटरव्यू एंड यू कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। सो पहला क्राइटेरिया तो वही है। उसके बाद जो बाकी इंटरव्यू की तैयारी आप कह रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी आप अगर फाइनल ईयर के स्टार्टिंग से भी शुरू करते हैं तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपके पास 6-7 महीने होते हैं, यूजुअली 7-8 सेमेस्टर के बीच में ही प्लेसमेंट का सारा प्रोसेस होता है। तो आपको आप फाइनल ईयर के स्टार्टिंग में कर सकते हैं शुरू। आपको जैसे कि बताया उन्होंने कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको ये जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इन सब की जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप कुछ मॉडल पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो आप चेक कर सकते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अगर मेरे को आज एप्टीट्यूड टेस्ट में बिठा दिया जाता है तो मैं कैसे कर रहा हूँ। और दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऐसा है कि आप जो अपने दोस्तों में बातें कर रहे हैं, ट्राई कीजिए जो आपके साथ लोग हैं वो मोटिवेटेड हो, वो भी चाहते हैं कि हमारी जॉब लगे, ट्राई कीजिए कि इंग्लिश में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। हो सकता है कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो गिव यू इन्फॉर्मेशन, और आपके इंग्लिश वोकैब भी स्ट्रांग होती है उससे, तो आप ये कर सकते हैं। और आप मैं वो सीरीज़ और वो देखने का आइडिया तो नहीं दूंगा, वरना लोग सीरीज़ देखने में ही रह जाएंगे। और तो मैं कहूंगा कि आप देखें, लेकिन इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखें, क्योंकि जो देखते हो आप विजुअल चीज़ें, उनसे आपको जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो वो भी आप एक चीज़ कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट कि हाँ ठीक है, मैं दिन में 1 घंटा कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव देखूंगा, बट आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे स्टोरी नहीं पढ़, मुझे स्टोरी में नहीं जाना है, लेकिन मुझे इंग्लिश सीखनी है। एनालाइज कीजिए कि वो लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या कॉन्वर्सेशन का फ्लो है, कैसे वो लोग पंक्चुएशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप देखिए। तो आपका हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स। थर्ड आते हैं टेक्निकल स्किल्स पे। तो जो टेक्निकल स्किल है वो दोस्तों वो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, वो आपको सिर्फ वही बेसिक्स चाहिए जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, उनके बेसिस पे ही आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं डेटाबेस, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस कैसे होता है, आपको बेसिक सीक्वल क्वेरीज पता होनी चाहिए, आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी बात आती है कि जैसे कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं कि ऊप्स कैसे वर्क करता है, ऊप्स के जो प्रिंसिपल 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट होता है, जो भी है।
ऑब्जेक्ट फंक्शन ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है, और किस तरीके से वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यू कैन डिज़ाइन एन एल्गोरिदम एज वेल ऑन दैट। सो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाती है। दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं है, ये वही है जो आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपको कॉलेज में उन सब चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बाद में भी रिवाइज़ करने हैं, और रिवाइज़ करना तभी आसान होता है जब आपने थोड़ा फोकस किया हुआ उन चीज़ों के ऊपर। तो फर्स्ट की थिंग इज़ फोकस, और टेक्निकल तो आपका हो ही जाएगा, बस फिर जो आपका बचता है वो होता है मैनेजर या एचआर। तो उसमें सबसे बड़ा की स्किल यही है कि आपको घबराना नहीं है। और आपको इंसान देखिए घबराता कब है, घबराता जब है जब वो कुछ मैनिपुलेटिव बोलता है, या जिसके बारे में अगर मैं उससे वो मुझसे पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए, स्टोरीज मत बनाइए किसी भी तरह की, सिर्फ उन्हें जो भी वो पूछे उसका सच जवाब दीजिए कि आपके मार्क्स कम हैं तो क्यों हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम हैं तो क्यों हैं, वो सब आपसे पूछते हैं। वो बेसिकली आपको चेक करते हैं कि बंदा जेन्युइन है या नहीं है। जो कैंडिडेट मैं ले रहा हूँ वो फ्यूचर में आके मुझे तो मैनिपुलेट नहीं कर देगा। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये जो सारी 4-5 पॉइंट्स हमने आपको बताए, अगर आप इन पॉइंट्स पे ठीक से काम करते हैं तो यू कैन गेट अ जॉब इजीली, वेरी इजीली। तो यार जैसा कि निखिल ने बताया, तो माइट बी यू आर स्टडिंग फॉर्म ए नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज फॉर्म ए Tier 3 कॉलेज विच इज़ नॉट ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, कंपनीज वगैरह नहीं आती है। लेकिन बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपके कॉलेज को इन्वाइट किया जाता है, बहुत सारी कंपनीज होती है जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करते हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है यार, इट इज़ ए फैक्ट कि आपके कॉलेज की वजह से आपको जॉब वगैरह कम मिल पाएगी, लेकिन आप अपने आप को जो जो निखिल ने 4-5 चीज़ें बताई हैं उनमें आप अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, तो जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हो। दूसरा जैसे इन्होंने बताया कि यार यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, है ना, कभी भी फेक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो भी रिक्रूटमेंट करने आते हैं उनका हर साल यही काम है, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो जो आप ये झूठ वगैरह अगर करने की कोशिश करोगे ना तो आप क्या है अपनी जॉब लगी लगाई खो सकते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, ऑनेस्टी से अपना काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो इंटरव्यू में पूछी जाती है वो हमें नहीं आएगी। आपको ये कहना है कि आई डिड नॉट स्टडी इट इसलिए मुझे नहीं आती, या अगर मुझे चांस मिलेगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं सीख लूँगा। आपको ईमानदारी से इंटरव्यू देना है, और ईमानदारी से जो जो चीज़ें इन्होंने बताई है वो आपको थर्ड ईयर से या फाइनल ईयर के स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपनी परसेंटेज वगैरह मेंटेन रखो, अच्छे सीनियर्स वगैरह से कनेक्टेड रहो ताकि वो आपको गाइड करते रहें कि यार किन किन चीज़ों को आपको प्लेसमेंट वगैरह के लिए तैयारी करते रहना है। इसके अलावा मोटिवेटेड दोस्तों के बीच में रहिए, नेगेटिव लोगों के बीच में मत रहिए। हमेशा फील करोगे ना जब आप अच्छा, तो आप अपनी पर्सनालिटी जो है उसको भी निखारोगे, जब इंटरव्यूज वगैरह में जाओगे तो आप पॉजिटिवली बात करोगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने निखिल से जानी कि किस तरीके से आप एक नॉर्मल कॉलेज में भी पढ़ के अच्छी सी जॉब लगवा सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, थोड़ा टफ होता है कई बार। तो थैंक यू वेरी मच निखिल जी। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया, ये आपको वैसे भी बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं क्योंकि इनका काम ही है जानकारी बांटना। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये खुद भी एक बहुत ही अच्छे कॉलेज से हैं, और इन्होंने IAS और ये सब एग्ज़ाम्स बहुत से दे चुके हैं ये, एंड ही इज़ वेरी लाइक हाईली मोटिवेटेड पर्सन। सो इफ़ ही इज़ मेकिंग सम एफर्ट फॉर यू गाइज, एंड इफ़ ही इज़ गेटिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, सो यू शुड ऑल्सो कीप हिम मोटिवेटेड and do subscribe him and do subscribe his channel. Thank you very much. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।